देखिए फ्रेंड्स, आ चुका है हम जेएनसी कॉलेज पासीघाट, जो कि पहाड़ की ऊंचाई पर बना है। ये जीटीसी तो देख रहा है, माइटी सियांग रिवर। ये है कॉलेज का सीढ़ी, इसको बोलते आदि से कॉलेज अबांग। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई, आप सबका अपना मिलोकोंग ब्लॉग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ जेएनसी कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग्स पे, चल के देखते हैं मेरा पुराना कॉलेज। बहुत सारा पुराना यादें जुड़ा है इस कॉलेज से। चलिए आने वाला जेएनसी कॉलेज, बने रहिए ब्लॉग्स पे। गेट तो खुला है, चलो घुसते हैं अंदर। स्टूडेंट्स पावर, नेशन पावर, वाह। देखिए फ्रेंड्स, आ चुका है हम जेएनसी कॉलेज पासीघाट, जो कि पहाड़ की ऊंचाई पर बना है। देखिए दोस्तों, यह है जेएनसी कॉलेज पासीघाट। बहुत नया नया बिल्डिंग अभी बन चुका है। मैं 20 साल बाद आ रहा हूँ मेरे दोस्तों, उस समय हम लोग को यहाँ पढ़ते समय ऐसा नहीं था। अभी देखिए कितना बदल गया है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत चेंज हो गया। हम लोग यहाँ पेड़ का छाया में बैठ के, वाह, दोस्त लोग के साथ बातचीत करके कितना अच्छा लगता था। हो देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये नया बिल्डिंग है, हम लोग को पढ़ते समय ये नहीं था। वो जो आप देख रहे हैं ना पुराना बिल्डिंग, वो तो हम लोग को पढ़ते समय। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल सर का ऑफिस हुआ करता था उस समय। देखिए दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, ये है जेएनसी कॉलेज पासीघाट। वाह, खूब एंजॉय किया यार। देखिए कितना सुंदर है ना देखने के लिए। हम लोग का समय पे ये नहीं बना था दोस्तों, ये नया नया बना है। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर है। हाँ आदम पुगेंगे एक कच्चा बता आई मांग करना ना। अयो देखिए फ्रेंड्स, ये पार्किंग प्लेस, या आप अपना बाइक कार या रखेगा और बस चल दो कॉलेज की ओर। कैसे लगा है दोस्तों जेएनसी कॉलेज पासीघाट, बढ़िया ना? इसी कॉलेज से कितना बड़ा बड़ा ऑफिसर पढ़ के बाहर निकला है दोस्तों। जो पुराना पुराना ऑफिसर, बड़ा बड़ा ऑफिसर है ना, हम लोग का आदि गालो का, सब यही जेएनसी कॉलेज से ही पढ़ा है। आजकल तो बच्चे लोग को ये देखिए आ गया जवाहरलाल नेहरू कॉलेज। बस आजकल का बच्चे लोग तो जाता है दिल्ली, मुंबई, बड़ा बड़ा सिटी में, एब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज पढ़ने के लिए। हाँ ठीक ही है, जिसका पैसा है वो तो जाएगा ही, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए तो ये मंदिर है, मंदिर। बस कम पैसा में ही यहाँ आप डिग्री ले सकते हैं, कम पैसा से आप अच्छा से इंटरेस्ट से पढ़ाई करके एग्जाम दो, आप पास होगा। अच्छा से लिखेगा तो जरूर पास होगा। तो आपको उधर जितना कोर्स होगा बाहर में,
उससे तो यह 0.5% भी नहीं होगा, यहाँ से 500 हो जाएगा। बड़ा बड़ा ऑफिसर की बहुत सारा जेएनसी कॉलेज से तो निकला है। तो फिलहाल दोस्तों हम जा रहे हैं अभी नीचे की ओर। ये देखिए ना, ये पहाड़ है। तो हम लोग के समय में ये तो बहुत छोटा रास्ता था। अभी देखिए दो गाड़ी आराम से आपस में आना जाना कर सकेगा। आज मौसम भी बढ़िया है, ब्राइट सनी मॉर्निंग। मुझसे भी रहा नहीं गया है दोस्तों, ब्लॉग बनाना ही बनाना है। मैंने भी निकला अपना बाइक, चल दिया ब्लॉग बनाने के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा? ठीक है ना, देखते रहिए। अभी हम लोग कॉलेज से नाम रहे दोस्तों। वो आजकल तो दुकान भी खुलने लग गया है रास्ता। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स जीटीसी का व्यू, देखिए ये है जीटीसी जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जीटीसी। वो तो देख रहे हैं माइटी सियांग रिवर। देखिए ये जीटीसी कितना सुंदर लगता है ना यहाँ से व्यू, देखो फ्रेंड्स। चलिए और नीचे दिखाते हैं आप लोग को। देखिए जीटीसी का व्यू, बाप रे बाप, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहे हैं आजकल। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए, ये सब हॉस्टल हुआ करता था जो आप लोग देख रहे हैं ना, पुराना बिल्डिंग। आजकल इसमें ऐसे ही खाली पड़ा है, हॉस्टल बिल्डिंग था ये फ्रेंड्स। अभी आप लोग को मेन चीज दिखाएगा, ये देखिए, देख रहा है ये ऊपर तक जाता है। ये है कॉलेज का सीढ़ी, इसको बोलते आदि से कॉलेज सदा। तो हम लोग भी आपस में बोलता था दोस्त लोग का बीच में, अगर आप 10 पास कर लिया तो आप कॉलेज का सीढ़ी तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। देखो ये है कॉलेज का वो सीढ़ी, जेएनसी कॉलेज का सीढ़ी, जिसमें हम लोग पूरा पसीना निकाल निकाल के कितना जा चुका है। मेन समर सीजन में पूरा तक जाता है ना फ्रेंड्स, इसको उठते उठते ऊपर में भी पूरा तक जाएगा। और जो हम लोग का लड़की दोस्त लोग क्रीम पाउडर लगाने वाला लोग का, तो इसमें पूरा क्रीम पाउडर का काम ही नहीं है, सब पसीना में निकल जाएगा वो ऊपर पहुँचते पहुँचते। फिर भी जो भी हो, वो समय भी एक समय था, बहुत इंजॉय किया कॉलेज लाइफ में। उस समय तो टीनेज था, सोता था, बहुत फुर्ती करता था। हम लोग दोस्त का साथ एकदम पूरा ग्रुप ग्रुप में जाता था, लड़का लड़की सब एक साथ। और ये देखिए ये हॉस्टल, यहाँ में लड़का लोग बैठे हैं, ये बॉय हॉस्टल है फ्रेंड्स। ये सीढ़ी से हम लोग जो उठने के लिए ये रास्ता से आएगा ना, साथ में लड़की दोस्त लोग होने से पूरा वो सीटी मारेगा, चिल्लाएगा, बहुत चेहरेगा, लेकिन किसी का सामने आने का हिम्मत नहीं। ये है वो गली, देखिए ये बच्चा लोग भी अभी पूरा ग्रुप ग्रुप आ रहा है। ऐसे हम लोग यहाँ में चलता था दोस्तों, पूरा पुरानी यादें ताजा हो गया। ये है जेएनसी कॉलेज का रास्ता, देखिए फ्रेंड्स। ये सब नया नया बिल्डिंग बनाए, देखिए कितना सुंदर लगता है ना। मेरा सब्सक्राइबर फ्रेंड जो बाहर का है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का है, जो इसी अंक का नहीं है, देखिए आप लोग का भी कोई रिलेटिव यहाँ पढ़ भी सकता है, एडवांस देख लीजिए। बढ़िया है यहाँ का पूरा है, ये हॉस्टल एरिया, ये ऑडिटोरियम, ये है प्लेग्राउंड, जेएनसी कॉलेज का प्लेग्राउंड। देखिए ये तो पुराना हॉस्टल सब अभी ऐसे बेकार, सुभाष हॉस्टल ये प्लेग्राउंड दोस्तों। देखिए ये नया हॉस्टल्स लुक देखो कितना बढ़िया बना दिया आजकल। ये है मनमुर जमो हॉस्टल,
वो है डाइंग इरिंग हॉस्टल। उसके बाद मिलता है तालम रुको हॉस्टल, और तू भी देखते जाइए। और उसके बाद है ये ओके टाइम हॉस्टल। हम लोग का आदि ट्राइब का जो जो मान हस्ती लोग है ना, सबका नाम से रखा गया हॉस्टल। अच्छा बात है, आप ये पास ईशियन में है तो आदि ट्राइब्स का मान हस्ती का नाम से रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेग्राउंड, ये है गर्ल हॉस्टल। कॉलेज इलेक्शन का टाइम में इधर घुसने से पूरा हालत खराब कर देगा। कोई बोलेगा गाना गा के सुनाओ कैंडिडेट को, कोई बोलेगा डांस करके दिखाओ, ये सब वगैरह वगैरह। बाय इलेक्शन का टाइम में तो खूब फूर्ति होता था रे कॉलेज लाइफ में। देखे प्लेग्राउंड, और ये सब है प्रोफेसर लेक्चरर सबका क्वार्टर्स। देखिए दोस्तों, देख लो ये कॉलेज कैंपस। कॉलेज तो ऊपर में, जहाँ में दो टावर आप देख रहे हैं ना, वो देखिए उधर में है कॉलेज। ये तो कॉलेज कंपाउंड, कॉलेज कैंपस बोलते हैं ये एरिया को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपका ऑटो का भी चिंता नहीं है। अब हॉस्टल से निकलो, अगर बाजार जाना है तो अब यहाँ से ऑटो पकड़ो, आराम से जा सकेगा। तो वो देखिए, वो है ऑडिटोरियम, कॉलेज ऑडिटोरियम। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स लोग, ये देखिए कॉलेज कंपाउंड पूरा बदल चुका है। चलिए तो हम लोग कॉलेज भी देखा लिया, अभी चलते हैं घर की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को जेएनसी कॉलेज पासीघाट? अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट कर दीजिए, फिर से और बढ़िया बढ़िया से आप लोगों को दिखाएगा। अच्छा लगा तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगा तो जरूर कमेंट करके बोलिए सर और एक बार बढ़िया से बनाइए, तो आप लोग का और बढ़िया से बना के दिखाएगा। चलिए अभी घर की ओर, अभी आ गया शिवकोरम ब्रिज। देखिए फ्रेंड्स, ये है शिवकोरम। देख रहे हैं ना पानी, ये नदी में तो हम लोग नहा के पूरा काला हो जाता था। हो हम लोग स्टूडेंट लाइफ में नहाया हम लोग इसमें पूरा नहा के आँख लाल, पूरा शरीर का रंग काला हो जाता था ना। तो आँख लाल होने का हम लोग क्या करता था, दो तो गरम गरम पत्थर लेगा छोटा छोटा वाला, आँख में चुपचाप लगा के देखता था, फिर उसके बाद नदी में जंपिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा क्या? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं इसी तरह आप लोग के लिए अच्छा अच्छा ब्लॉग्स बनाता रहूँ।